हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 का लेसन 3, जिसका नाम है द हाउस स्पैरो। तो जो घर की चिड़िया है, जो घर की स्पैरो है, स्पैरो का मतलब पता ही आपको, गोरे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वार्मर पढ़ते हैं पहले, ये हमारा काम है। सबसे पहले क्या है कि विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी, नेम सम ऑफ देम, उनमें से कुछ का नाम बताएंगे, कौन सी चिड़िया आपके इलाके में, लोकेलिटी में लेके आते हैं क्षेत्र इलाका, तो आपके इलाके में सबसे कॉमन चिड़िया कौन सी है उनका नाम बताएं ना। दूसरा क्या है, मतलब जनरली जो पाया जाता है उनका नाम बताना, जैसे क्राउ तो होगा ही, कौवा, कौवा जो बोलते हैं वो तो होगा निश्चित। दूसरा देखिए, विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट इन वाइल्ड, मतलब उनमें से बहुत सारी चिड़िया जो होती है, तो उनमें से कौन सी चिड़िया आपको बहुत पसंद है और क्यों, उसका रीजन ये बताने कि उसको क्या खूबी जिससे उसको पसंद जो आपको पसंद है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द स्पैरोस, स्पैरो की जो क्वालिटी है, आर यू एवर नोटिस्ड, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो देखिए, ये तीन क्वेश्चन है। अगर आपको कोई मतलब आप किसी को बताना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो आप मुझे बस बता सकते हैं, है ना, और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा जिस प्रकार के भी वीडियो चाहते हैं आप बताएं। और इस प्रकार से जैसे फिफ्थ क्लास का है, तो इस प्रकार का भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, आइए कहानी पढ़ते हैं। There are several birds which are very common in your in our locality. मतलब बहुत सारे चिड़िया जो होते हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में कॉमन होते हैं। The house sparrow is one, जो घर वाले जो हमारे घर के घर में रहते हैं चिड़िया, इसलिए उनको हाउस स्पैरो कहते हैं। तो जो हाउस स्पैरो जो होती है, चिड़िया जो होती है, वो उनमें से एक है। अब देखिए कि स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी, मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। दे लाइक टू लिव विद पीपल, और ये पसंद करती है लोगों के साथ रहना। सो दे मेक देम फील क्वाइट एट होम इन हाउसेस, मतलब वो हमारे घरों में अपने घर बनाते हैं बिल्कुल, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट व्हेरेवर दे कैन, जो स्पैरोज हैं वो अपना घोंसला जो है वो बनाते हैं जहाँ भी वो बना सकते हैं, जैसे ऑन विंडो, खिड़की पर, सिल्स, मतलब वही चौखट जो होता है उसपे, द टॉप ऑफ द डोर, डोर के ऊपर के अलमीराज पे, एंड इन नूक एंड कॉर्नर्स, मतलब कोने में भी बनाते हैं। देयर नेस्ट्स कैन बी फाउंड इन होल्स एंड निशेस, इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स, तो इनका जो नेस्ट है, घोंसला जो होता है, वो पाया जाता है कहीं होल में, छिद्र, एंड नीचे, नीचे का मतलब वही चौखट होता है, नीचे मतलब वो ताखा कह लीजिए या आप ताक आला जो भी कहते हैं वो कह लीजिए, नीचे का मतलब वही ताक, ताखा कहते हैं ना ताक, तो ये समझ। तो एंड रूफ्स, और छत पर, एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, और जहाँ पे संभव नहीं है वहाँ पे भी जाकर ये पाए जाते हैं, उनके घोंसले पाए जाते हैं। इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टेंस, कर्टेंस का मतलब होता है पर्दा। तो देखिए जैसे ये पर्दा है टंगा हुआ, है ना, यहाँ पे जो हैंगिंग वाला होता है ना, ये फोल्ड होता है ना, इतना भी पर्दा यहाँ पे लटकाया जाता है, यहाँ पे रस्सी लगा कर बनाया जाता है, तो इसमें भी वो अपना घोंसला बना लेते हैं इस फोल्डिंग वाले से। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है कि मुझे यहाँ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। देयर चिपरिंग, मतलब चिपरिंग का मतलब जो है वो जैसे हाथे हैं, है ना, गुनगुनाते हैं, जो बोलते हैं, जैसे आवाज निकलते हैं उसी को कह रहे हैं, जो चिपरिंग करते हैं, प्लीजेस अस, वो हमें आनंदित करके कुछ सुख देते हैं,
खुशी देती है, बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो न्यूसेंस, मतलब उस समय वो न्यूसेंस मतलब दुखी होते हैं, किसी ना किसी दुख में होते हैं, तब वो उस तरह के आवाज निकलते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं कि द स्पेयर्स ऑफ टोनल कलर, कलर में देखिए तो वो ब्लू कलर के होते हैं विद व्हाइट एंड ब्लैक मिंगल टुगेदर ऑन द बैक साइड्स, तो वो सफेद और ब्लैक का जो मिश्रण होता है मिंगल को मतलब मिले हुए टुगेदर एक साथ मिले हुए होते हैं उसके पीछे और साइड दोनों साइड में, है ना। दे ऑल्सो हैव अ व्हाइटिश फ्रंट, हाँ उनका जो फ्रंट होता है जैसे कोई भी ये चिड़िया जैसे हो गई, मुझे तो बना आता ही नहीं है तो खैर बनाया है, फिर भी मैं आपके लिए बस बताने के लिए बता देता हूँ ऐसे। ये जो उसका व्हाइटिस ये जो फ्रंट है ये आगे का वो व्हाइटिस होता है वाला क्षेत्र, और ये तो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया बैक हो गया, और ये इसको आगे वाला क्षेत्र कह रहे हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट होता है ना, और ये वाला कलर जो होता है इसके ऊपर वाला कलर इसका कलर क्या होता है ब्राउन कलर होता है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक मिंगल होते हैं, है ना, मिले हुए होते हैं। द मेल स्पैरो हैज अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट, तो जो मेल स्पैरो जो होता है मुर्गे जो होता है उसके गले पे यहाँ पे जो गला है यहाँ पे जो गला है वहां पे पैच होता है, ब्लैक पैच होता है, ब्लैक धब्बा होता है ना, तो ब्लैक पैच होते हैं ब्लैक मतलब की तरह होता है। स्पैरोज ईट इन सॉरी ईट ग्रेन इंसेक्ट्स एंड द टेंडर सूट्स, तो क्या करते हैं ये टेंडर सूट्स ऑफ प्लांट्स, दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फूड। देखिए स्पैरो जो होता है वो ग्रेन आज करते हैं इंसेक्ट्स करते हैं, और टेंडर सूट्स का मतलब ये जो आपेट होता है वो टहनी जो होता है कमल कोमल टहनी जो होता है, टेंडर का मतलब कोमल, जो कोमल टहनी होता है उनको प्लांट्स के पौधे जो है उन्हें भी खाते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फूड, और ये पके हुए भोजन पर भी सॉफ्ट होते हैं, इसलिए तो ये लोगों के साथ रहते हैं। स्पैरोज लव कंपनी, वो कंपनी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। देखिए आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि आई लव, हम जैसे आप किसी पेन को किसी चीज को भी चाहते हैं तो आई लव, आई लव द पेन, आई लव द बुक, आई लव द बोर्ड्स, इस तरह से बोल सकते हैं। कंपनी साथ ही संगत को भी वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, और वो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब जोड़ा। We can see, हम देख सकते हैं several pairs at a time, और बहुत सारे pairs हम समय देख सकते हैं। The mother bird lays 3 or 4 eggs, which are pale greenish white, है ना, तो उनकी जो मदर जो होती है वो 3 or 4 leg sorry eggs देती हैं, है ना, which are पेल का मतलब होता है तो हल्का पीला जो होता है ना, ग्रीनिश व्हाइट मतलब हल्का हरा और व्हाइट कलर का वो अंडा होता है। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर, मतलब हर साल इनके बहुत सारे फैमिली बढ़ती हैं, ये ऐसे जाने जाते हैं, मतलब पक्षियों में यही ये जो बर्ड्स होती हैं इनका जनसंख्या घट नहीं रहा है ये बढ़ रहा है ना, सेवरल फैमिली हर साल इनके बढ़ते रहते हैं। ये अडॉप्ट किया गया है लिया गया था सर सम इंडियन बर्ड से जो सीबीटी पब्लिकेशन दिल्ली है जो चिल्ड्रन ट्रस्ट पब्लिकेशन दिल्ली है वहां से अडॉप्ट किया गया है। अगर इस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट और हम उस पर वीडियो के लिए अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।